एनसीसी भर्ती परीक्षा 2024 क्विज टेस्ट 6 कौन बनेगा आज का विनर? और वही विनर होगा जिनका 10 में 10 सही होगा। कल कुछ लोगों ने कमेंट किया था जिनका 10 में 10 था, कुछ लोग का 8 था, कुछ लोग का 7 था। तो जितना भी आपका सही होता है कमेंट करके बता दिया करेंगे, ठीक है, लास्ट में। और टेस्ट पूरा दीजिएगा, 10 क्वेश्चन ही हो रहा है अभी, जैसे गर्मी थोड़ी कम होगी फिर क्लास होगी रेगुलर। बाकी आप लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसीआरमी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से डेली मॉडल पेपर सब्जेक्टिव वाला याद करना, ठीक है। सब्जेक्टिव समझते हो ना, जो लिखने वाला क्वेश्चन आंसर होता है, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव भी टेस्ट होता है ऑल इंडिया में, ऑब्जेक्टिव जल्दी नहीं होता, ये बस क्विज के लिए, ताकि आपका रिवीजन हो। डेली क्लास 8 बजे होती है, 8 बजे जब लाइव क्लास होगा तो फिर शाम में 5 बजे क्विज टेस्ट कर देंगे। जो लोग नए सभी का वेलकम है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। बाकी टेलीग्राम पर एनसीसी भर्ती का ग्रुप बना दिया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो। इंस्टा आईडी के लिंक दे दिया हूँ, कोई दिक्कत हो मैसेज करना। टेस्ट पूरा देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान, जकार्ता, काठमांडू, इस्लामाबाद। एक क्वेश्चन पर मात्र 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, आपको आंसर लिमिट टाइम में ही बताना है। वेयर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? चलिए टाइम अप। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, इस्लामाबाद। सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी गांव में, बिहार के जीरादी नामक गांव में, असम में या राजस्थान में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बिहार के जीरादी नामक गांव में। थर्ड, सुभाष चंद्र बोस किस दल के नेता थे? नरम दल के, गरम दल के, कांग्रेस के, आज़ाद हिंद फौज के? सुभाष चंद्र बोस किस दल के नेता थे? सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई, क्योंकि सारे भर्ती में पूछे गए हैं ऑल इंडिया में। डी होगा, आज़ाद हिंद फौज के। फोर, ITBP का फुल फॉर्म लिखे, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बेसिक पुलिस या इंडो तिब्बतन बॉर्डर पार्टी? फुल फॉर्म ऑफ ITBP, स्पेलिंग सभी का सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। फुल फॉर्म का स्पेलिंग याद करना, ठीक है, ये सारे पूछे गए हैं टोटल। फिफ्थ, भारत के पहले IAS का नाम बताओ, ये जो IAS अधिकारी होते ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, स्पेलिंग याद रखना। रवीना टैगोर, किरण बेदी, सत्येंद्र नाथ टैगोर या कल्पना चावला? राइट द नेम ऑफ फर्स्ट IAS ऑफिसर ऑफ इंडिया। 10 सेकंड और 1 सेकंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। 6, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम लिखो, अखिलेश यादव, गोविंद बल्लभ पंत, मायावती या योगी आदित्यनाथ? राइट द नेम ऑफ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ UP, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत। 7, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित की गई थी? 1963 में, 1965 में, 1967 में या 1947 में? भारत की राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित की गई थी, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1963 में। 8, चाय को हिंदी में क्या कहते हैं? दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी, चाय, कॉफी या चाय पत्ती? चाय को हिंदी में क्या कहते हैं? दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी। इतना लंबा आपको आंसर याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। 9, सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सिगरेट, बीड़ी, धूम्रपान दंडिका या हुक्का? ये दोनों क्वेश्चन एक ही जगह पूछा गया था पिछले साल। सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो भैया फास्ट, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, धूम्रपान दंडिका। 10, वह कौन से दो राज्य हैं जिनकी राजधानी एक ही है? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल या पंजाब और हरियाणा? वह कौन से दो राज्य हैं
जिनकी राजधानी एक ही है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पंजाब और हरियाणा। तो आज के विनर कौन कौन है कमेंट करें, जिनका 10 में 10 है सभी को कंग्रेचुलेशन। आपका कितना है कमेंट करेंगे, 8, 7, 5 जितना हो, ये नहीं कि 5 सही हुआ तो कमेंट नहीं करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे। और जो आपका डाउट हो भी कमेंट कर देना। बाकी प्लेलिस्ट सारा अलग अलग है, क्विज टेस्ट का अलग है, मॉडल पेपर का अलग है, यूट्यूब पर एनसीसी भर्ती कैसे होती है उसका अलग प्लेलिस्ट है, सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। उसके बाद नवल विंग का अलग प्लेलिस्ट है, एयर विंग का अलग है, वहाँ से देख लेंगे। इंटरव्यू का भी वीडियो है, एयर विंग के कुछ नए क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा इस बार मिले हैं, जो बटालियन से बनाया गया था इंग्लिश में। तो टेस्ट डेली देना, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत हो इंस्टा आईडी का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मैसेज करना। और चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, अपने दोस्तों को भी बता देंगे। डेली शाम में 8 बजे लाइव क्लास होगी, गर्मी जैसे कम होगी लाइव क्लास 8 बजे होगी 40 क्वेश्चन का, फिर शाम में 5 बजे क्विज होगी। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्विज टेस्ट 7 में, अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।